अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब के सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी पिन है जिसकी हेल्प से हम झूमर, सहारा वगैरह सेट कर सकते हैं, और बिंदियाँ वगैरह, माथा पट्टी, वो कौन सी पिन है जिनकी मदद से ये चीज़ें सेट की जाती हैं। और सेकंड ये कि जो बालों में स्टोन वगैरह, बीड्स, पर्ल वगैरह लगाते हैं, तो कौन सी पिन है जिनके थ्रू, जिनसे वो हम बालों में लगाते हैं, और पार्लर की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं। सो आप बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। So these are those pins which we call in parlor language invisible pins. So इनको हम invisible pins कहते हैं। invisible pin इसको इसलिए कहते हैं कि जब इसको बालों में लगाते हैं तो ये बालों में बिल्कुल invisible हो जाती है और पता नहीं चलता कि आपने कोई pin वगैरह भी लगाई हुई है। मैं आपको इसमें से एक निकाल कर दिखा देती हूँ कि ये इतनी, ये देखें, ये ऐसे आराम से मुड़ भी जाती है, बहुत फ्लैक्सीबल है। तो हेयर बीड्स वगैरह में भी मैं यही यूज़ करती हूँ, जो अक्सर हेयर स्टाइलिंग में मैंने बीड्स लगाए होते हैं तो उनमें मैं यही पिन यूज़ करती हूँ, और झूमर के लिए भी मैं यही पिन यूज़ करती हूँ। तो कैसे यूज़ करते हैं उसका भी मैं कुछ तरीका आपको बता देती हूँ कि ये इस तरह की ना बीड्स की लड़ियाँ मिलती हैं, ये इस तरह की लड़ियाँ मिलती हैं स्टोन्स की, पर्ल्स की, हर कलर में मिलती हैं, हर साइज़ में मिलती हैं। वो आप लें और ये इस तरह का मोती आप ले के वो इसके अंदर डालें, यूं, और इसको आपने जो भी स्टाइल बनाया है उसके अंदर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं और ये बालों में फिक्स हो जाती है और पिन जो है वो इनविजिबल हो जाती है और सिर्फ जो चीज़ आपने इसके साथ लगाई हो वो नज़र आती है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, और झूमर में भी इसको यूज़ किया जाता है झूमर को सेट करने के लिए। जैसे ये झूमर है तो मैं एक पिन जो है ना यहाँ पर इसके साथ लगाऊँगी। ये मैं तो इन पिन को एयरिंग सेट करने के लिए, माथा पट्टी सेट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से लगा के ना मैं इसको ना इस पिन के थ्रू ना बैक पे ले जाके वहाँ पे बैक कॉम्बिंग करके और फिर जो दूसरी पिनें होती हैं वो लगा लेती हूँ, और फिर इन जगहों पे भी ये हिले ना झूमर, तो इसी पिन से मैं इसकी ये वाली जगह भी सेट कर देती हूँ। ये इसी पिन की हेल्प से कि ये हिले ना, इस तरह मैं ये इनको भी सेट कर देती हूँ, और ये जो पिन है ये इस झूमर के साथ बिल्कुल छुप जाती है और नज़र भी नहीं आती। इसको मैं आगे से फोल्ड करती हूँ ऐसे, ये देखें ये झूमर लग गया है इस पिन की हेल्प से। और ये जो है ना इसका इतना सा जो, मैं पूरा पैक ले लेती हूँ वैसे तो, लेकिन अगर इतना आप लेंगे ना तो इसके अंदर आई थिंक 24 होती हैं और ये पड़ता है 50 समथिंग का, ये आपको मिलेगा एक पैकेट, एक पिन। ये पूरा पैक आता है 300-350 का, और उसमें होती हैं ढेर सारी पिनें, उसमें मेरे ख्याल से 12 या 24 इस तरह के पैक होते हैं, तो वो ज़्यादा रिजनेबल पड़ जाता है। तो मैं पूरा पैक ले लेती हूँ, इसी वजह से अक्सर मैं चुटिया वगैरह बनाती हूँ ना उसमें भी मैं यही पिन यूज़ करती हूँ। मैं थोड़ा सा ना आपको बना के भी दिखा देती हूँ कि मैं ना किस तरह से उसमें ये वाली पिन यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए चुटिया बना के ना इसको थोड़ा सा मैसी करके चुटिया को, जब मैं इसके अंदर स्टोन्स वगैरह लगाती हूँ तो मैं इसी पिन की हेल्प से लगाती हूँ। मैं इसको मैसी कर देती हूँ, उसके बाद आपको लगा के दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसके अंदर यूज़ करती हूँ। ये अभी कुछ पिनों के अंदर मैंने ये स्टोन डाल के रखे हुए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट बस, इसका सिंपल सा काम है, बस इसको इस तरह से इसके अंदर कर दें बस। अक्सर पार्लर वालियों को मैंने देखा है कि एल्फी से स्टोन चिपका देती हैं, हद होती है यार। फिर वो एल्फी को निकालते निकालते उसके क्लाइंट्स के सारे बाल ही डैमेज हो जाते हैं। अक्सर मेरे पास आती हैं कि हम फलाइन जगह से तैयार हुए थे तो उन्होंने हमारे बालों पे स्टोन जो है वो एल्फी से लगा दी है, तो माथे पे बिंदिया जो थी वो एल्फी से चिपका दी है, तो स्किन जल गई है और ये हो गया और वो हो गया। ये देखें इस तरह से यूज़ होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी पिनें हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ।
होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी जो प्रॉब्लम थी कि वो पिंस दिखा दें जो झूमर के झूमर सेटिंग में यूज होती हैं और जो बीड्स वगैरह में यूज होती हैं, स्टोन लगाने के लिए यूज होती हैं, फ्लावर लगाने के लिए यूज होती है, इवन कि जब हम अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सेट करते हैं तो जैसे मुझे अपना पफ सेट करना है लेयर्स डाल के बालों में यूं करके, तो मैं इसके अंदर भी वो वाली पिन लगा के छोड़ूंगी और फिर स्प्रे करूंगी, उसके बाद ये मेरा पफ सेट होगा, उसके अलावा ये मेरा पफ या फ्लिक सेट नहीं होगा। तो उसमें भी यही पिन यूज करते हैं। तो ये थी वो पिन है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि इनविजिबल पिन यूज होती है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि पता नहीं है, आप वीडियो में दिखा दें कि कौन सी होती है इनविजिबल पिन और उनका यूज भी बता दें। तो ये था इसका यूज जो कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किया करें लाजमी वीडियो को, और मेरे वीडियोस को शेयर भी किया करें, मेरे चैनल्स को भी शेयर किया करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।